Hey guys, welcome back to Technical Sense. तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका Technical Sense में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हम एक ऐसे फोन के बारे में जो सभी को बहुत पसंद आ रहा है, बस दोनों में लेने की कसमकश लगी हुई। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं Redmi K20 Pro के बारे में और OnePlus 7 के बारे में। चलिए दोस्तों, जानते हैं दोनों के डीप स्पेसिफिकेशंस और दोनों में से कौन सा फोन बेटर होगा ये भी हम आपको बताएंगे, और साथ में दोनों के एक स्पेसिफिकेशन को हम रेट करेंगे कौन सा फोन किस चीज में ज्यादा बेटर है, और उसके बाद आप देखेंगे प्राइस कंपैरिजन में तो कौन सा फोन आप ले सकते हैं अगर कहीं पर कंफ्यूजन है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने K20 Pro के साथ। Redmi K20 Pro में मिलती है आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और OnePlus 7 में मिलती है आपको ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले। दोस्तों, यहां पर हम बात करें अगर इसकी स्क्रीन साइज की, तो स्क्रीन साइज दोनों में लगभग सेम है, 6.4 इंचेस और 6.3 इंचेस। अगर हम बात करें K20 Pro में, तो K20 Pro में यहाँ पर हमें स्क्रीन मिलती है, हमें फुल डिस्प्ले मिलती है, लेकिन OnePlus 7 Pro की बात करते हैं तो OnePlus 7 में हमें यहाँ पे मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। लेकिन बात करते हैं दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशन दोनों का सेम है, और अब बात करते हैं दोनों की बैटरी बैकअप कैसा है। दोस्तों, K20 Pro में हमें मिल जाता है थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज्यादा, क्योंकि हमने इसका हैवी यूसेज करके देखा तो हमें पता लगा कि K20 Pro में हमें थोड़ा सा बैटरी बैकअप ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां मिलती है हमें 4000 mAh की बैटरी और यहाँ पे हमें मिलती है 3750 mAh की बैटरी। तो बैटरी में ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा ही फर्क है। यहाँ पर K20 Pro में हमें मिलता है 27 वाट का चार्जर, वहां पे हमें मिलता है 20 वाट का फास्ट चार्जर। तो यहाँ पर K20 Pro में हमें 27 वाट का जो चार्जर मिलता है, इनबॉक्स नहीं मिलता दोस्तों, हमें एडिशनली परचेज करना पड़ता है, 1000 रुपीज इसकी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर OnePlus में हमें पहले से ही 20 वाट का चार्जर मिल रहा है। अब बात करते हैं दोनों के स्मार्टफोन होने के बाद अब हमें क्या इसमें प्रोसेसर मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर जो है वो हमें दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 855 का जो प्रोसेसर है वो अब तक का फ्लैगशिप प्रोसेसर में है और लेटेस्ट भी है। तो यहाँ पर हमें दोस्तों मिल रहा है K20 Pro में स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट, और OnePlus 7 में भी मिलता है हमें Snapdragon 855। तो दोनों में ही सेम है, और GPU की बात करें तो GPU भी हमें दोनों में ही सेम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इंटरनल स्टोरेज की। इंटरनल स्टोरेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पर 6GB 128GB का वेरिएंट और 6GB 128GB का वेरिएंट दोनों ही फोन में देखने को मिलता है, और 8GB 256GB की स्टोरेज के साथ साथ हमें OnePlus 7 भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं प्राइस सेगमेंट, तो दोनों में जमीन आसमान का प्राइस का काफी बड़ा डिफरेंस तो देखने को मिल रहा है। चलिए प्राइस की बात में हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं अब इसके कैमरे के साथ। तो हमें कैमरा कौन सा मिल रहा है दोस्तों, हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल का स्मार्ट कैमरा, रियर कैमरा हमें जो 48 मेगापिक्सल का मिलता है K20 Pro में, वहीं पर हमें OnePlus 7 में भी 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन यहां पर अगर मैं सैंपल इमेजेस आपको दिखाता हूं, दोनों में ही काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि लो लाइट में OnePlus 7 काफ़ी अच्छा इमेजेस पे काम करता है, लेकिन लो लाइट में K20 Pro की बात करें तो वो इमेजेस में काफ़ी अच्छा काम नहीं भी करता है। यहां पर अगर हम बात करते हैं K20 Pro के टेलीफोटो के बाद, तो टेलीफोटो जो हम वाइड एंगल इमेजेस की बात करते हैं तो वो हम काफ़ी अच्छे इमेजेस ले सकते हैं K20 Pro में, वहीं पर OnePlus 7 में भी ऐसा नहीं है कि उसमें वाइड एंगल नहीं है तो वो अच्छा काम नहीं करता, वो भी एक अपना अच्छा काम करके देता है, इसकी इमेजेस काफ़ी शार्प होती हैं K20 Pro में, यहाँ पर कैमरा स्ट्रगल करता है। साथ ही हम बात करते हैं टेलीफोटो कैमरे के साथ, हमें डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा भी देखने को मिलता है, लेकिन OnePlus 7 में भी हमें 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, दोस्तों सेल्फी कैमरा हमें मिलता है OnePlus 7 में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, K20 Pro में वहीं पर हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का स्मार्ट सेल्फी कैमरा। लेकिन दोनों के इमेजेस कैप्चर्स की बात करें, वीडियोग्राफी की बात करें, दोनों ही काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, दोनों की रेजोल्यूशन में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमें EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है OnePlus 7 में, वहीं पर हमें OnePlus K20 Pro में EIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, SDR मिल जाता है, वाइड वीडियोग्राफी। यहाँ पर दोस्तों दोनों में कैमरे में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन चिपसेट की बात करें स्नैपड्रैगन 855 तो दोनों में ही देखने को मिलता है, और साथ ही बात करते हैं दोनों की वीडियोग्राफिक में जो रियर कैमरा हमें देखने को मिलती है, K20 Pro में हमें देखने को मिलती है 4K रिकॉर्डिंग विद 30fps एंड 1080p के साथ, हमें मिलती है 60fps 120fps के साथ, और 240fps में भी देखने को मिलती है। और तो OnePlus 7 की बात करते हैं तो वहां पर हमें 4K रिकॉर्डिंग में 30fps एंड 60fps पर मिलती है, और 1080p में हमें
120, 240 और 960 fps तक देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों ही कैमरे के एस्पेक्ट्स में देखने को मिलती है। लेकिन अगर कैमरे में शार्पनेस की बात करें, डलनेस की बात करें, वो हमें K20 Pro के कैमरे में कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। हमने अपने टेस्ट में काफ़ी बार इस चीज़ को एनालाइज़ किया गया है। साथ ही बात करते हैं वन प्लस सेवन में हमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है और वाइल्ड मेकिंग वीडियोस वो काफ़ी अच्छी हमें पिक्चर्स और इमेजेस, और यहाँ पर बात करें वीडियो में तो काफ़ी अच्छी इमेजेस हमें देता है और वीडियो काफ़ी बेटर है एज कम्पेयर टू K20 Pro। लेकिन K20 Pro में भी उसमें कहीं कहीं पर वो अपने आप में ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसका कैमरा जो है लो लाइट में कहीं स्ट्रगल कर रहा है तो कहीं बहुत अच्छा काम भी कर रहा है। तो अब बात करते हैं दोनों की प्राइस रेंज की। दोस्तों प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि K20 Pro में हमें मिलता है 28,000 रुपीज में और यहाँ पर OnePlus 7 मिलता है हमें 33,000 रुपये में, 32,000 रुपये के आसपास मिलता है, 32,999 रुपये में। जो 33,000 का है वहाँ पर हमें मिलता है 28,000 रुपये में। तो 5,000 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम इसके अदर वेरियंट्स की बात करते हैं OnePlus 7 के, जहाँ पे हमें 256 GB का वेरियंट देखने को मिलता है विद 8 GB रैम, वहीं पर हमें वो मिलता है 38,000 रुपीज़ का। तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और K20 Pro की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें जो वेरियंट है उसका हाईएस्ट वन, जिसमें हमें अच्छी रैम और ज़्यादा मेमोरी में मिलती है, वो मिलता है हमें 31,999 में, मतलब कि 32,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइस रेंज में, तो प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ा एक डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो इतना बड़ा डिफरेंस के बाद अगर हम बात करें OnePlus 7 की या K20 Pro की, तो आई विल गो विद द K20 Pro। आप भी K20 Pro की तरफ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़े से कम दाम में वही सारे चिपसेट के साथ, फीचर्स के साथ, इंटरनल स्टोरेज के साथ हमें फ़ोन मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको प्राइस रेंज के हिसाब से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर लगा, K20 Pro की तरफ आप बढ़ना चाहेंगे या OnePlus 7 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूज डिफरेंस है प्राइस में, साथ ही स्पेसिफिकेशंस K20 Pro में और OnePlus 7 में। कैमरे की बात करें तो कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मैच करती है, कि 4000 mAh की स्मार्ट बैटरी हमें मिलती है K20 Pro में, और OnePlus 7 में हमें देखने को मिलती है 3750 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। तो इन दोनों के फोन में काफी हद तक सिमिलैरिटीज हैं। तो आप हमें मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा फोन ज्यादा बेटर लगा, किसकी रिचनेस लोग ज्यादा पसंद आ रही है आपको, OnePlus 7 की या K20 Pro की। K20 Pro में आपको कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी लुक्स मिल जाती है, क्योंकि वहां पे हमें मिलता है मोटराइज सेल्फी कैमरा। तो मोटराइज सेल्फी कैमरा अपने आप में उसके डिस्प्ले को काफी अच्छा बना देता है। यहीं पर OnePlus 7 में हमें जो सेल्फी कैमरा है वो मोटराइज सेल्फी कैमरा नहीं होने की वजह से इन डिस्प्ले कैमरा है, जहां पर हमें उसकी जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैग कर जाती है। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन पसंद सबसे ज़्यादा आता है, और फिर नेक्स्ट टाइम हम उस पर डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।